हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आज आपके साथ बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करनी है। न्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊँ मैंने, ठीक है? तो मम्मी का फ़ोन आया था और वो वाली कॉल रिकॉर्डिंग मैंने लगाई है, लगाऊंगा, ठीक है? और भाई, मम्मी ने एक चीज़ बताई हमको और क्या बताऊँ, दिल खुश हो गया है भाई, दिल खुश सा हो गया है। आपको बताऊँगा तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। वैसे अभी हम दिल्ली में हैं, मम्मी बिहार में हैं, ठीक। और हाँ, पिछले वीडियोस में सब लोग बोल रहे थे कि दीदी की जो फ्लाइट है वो नहीं छूटी है, तो भाई वो सच में छूट चुकी है। वो छूट गई थी और उसके बाद मुंबई नहीं गई थी वो, ठीक है? तो दो तीन जगह हमने वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि ऐसा हो गया था कि यार मुंबई जाना था, नहीं गई, तो इसीलिए थोड़ा सा ये रहता है ना कि पहली बार जाते नहीं जा पाते तो फिर सब लोग बोलते कह रहे यार तेरे से नहीं हो पाया। मतलब वैसा हमने बोला नहीं, पर तभी भी उनको लगा, क्योंकि मैं जब भी जाता था ना बोलता था कि देख अंजलि भाई, टाइम से निकलनी तो लेट हो जाएगी, ठीक है? तो वो बोलते कि लक्की यार तू चलता तो मैं चली जाती। मैंने कहा देख भाई, मैं नहीं जानता, इसीलिए मैंने तुझे अकेले भेजा था कि तू, अब कोई नहीं, अगली बार से होगा। वो तो भाई देखो, गलती उनकी भी नहीं थी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है देख लेना। और भाई मैं क्या आपको बता रहा हूँ, देखते रहना यार। तो बात खत्म, रात गई बात गई और नई नई बात आई है, इतनी मजेदार बात है, वो कॉल रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, आप सुन लो। मम्मी एक मिनट, तो मम्मी मतलब कब जाना है आपको कोलकाता? तो फिर मम्मी कोलकाता में क्या बनाओगे आप? वही तो सोच रही मिस्टी तो है। जैसे ललित ने बोला ना मम्मी बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, तो लकी ने गेस कर लिया। तो किस किस का हुआ है, आपका और पापा दोनों का हो गया? पापा का भी और हमारा भी। वाओ, ये तो डबल पार्टी। मम्मी पापा कहाँ है? बधाई हो पापा। ओ हो हो, सीटी बजाओ भाई, सीटी आती किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मम्मी मैं आपके लिए ना अमेजोन से थाली वगैरह मंगा दूंगी थोड़ी उधर, या ललित को बोल देना मंगा देगा। टाइम नहीं है अमेजोन से मंगाने के लिए। एक दो दिन बाद पहले निकलना क्योंकि उधर जाके थक जाओगे। थकने की बात नहीं है, खाना कहाँ बनाओगे? वो है कि एक दिन वहाँ बनाना है, खाना बना के ले जाना है। हाँ, अगले दिन जब अभी थर्ड राउंड हो गया ना, तो फोर्थ राउंड में वो अपना किचन देंगे, सामान देंगे, सब कुछ। अगर थर्ड राउंड में सिलेक्शन हुआ तो चलो, तो ये कह रहे कि रूम बुक करने का तरीका बता दिए ना, ठीक है? और क्या चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, लेकिन अब तो रूम चाहिए तभी तो खाना बनाएंगे भाई। हाँ वो तो है। तो आप रूम बुकने का समस्या हो गई, तो एक समस्या था, क्या समस्या हो गया? सब सामान अपना अपना ले लेंगे, एक दिन रेस्ट भी करेंगे और 23 तारीख को फिर निकलेंगे। बहुत बढ़िया मम्मी, मम्मी मजा आ गया भाई, मजा मजा। पहले न्यूज मम्मी आपको मिली है, पापा को मिली? वाह मम्मी वाह, आप तो छा गए पापा मम्मी। अच्छा ये तो छा गए गुरु, मेरी गिफ्ट वाली साड़ी थी, लकी साड़ी निकली। देख रहे दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि खाली महंगा महंगा सामान खरीदती है, 200 रुपए का साड़ी खरीदेगी? तो भाई मैं सस्ता ही सामान चुनती हूँ, अच्छा तो लग रहा है। वाह मम्मी, अब तो कोलकाता जा रही हो। सामान शॉपिंग करना था मैं दिल्ली, पता है दोस्तों मेरे को दिक्कत तो यहाँ आ रही ना, 1.5 साल से दिल्ली नहीं आई। 2 साल मेरे पास ना मतलब ढंग का ब्लाउज नहीं है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ना ब्लाउज है, साड़ियाँ तो है, ब्लाउज नहीं है। मम्मी आसपास में किसी से सिलवा नहीं सकते? 2-3 दिन में सिल देगा कोई? नहीं, मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी तब तो लोगों से सिलवा पाऊंगी, अभी नहीं सिलवा पाऊंगी। चलो कोई नहीं, अब तो भाई मास्टर शेफ में माता पिता दोनों, आहा हा, मजा आ गया। बिडू जा, चले जा, मैं नाचूंगी। तो मम्मी न्यूज कब मिली? अभी अभी मिली। हाँ तो जब भी न्यूज आती है ना, मैं चूल्हे पे बैठे रहती हूँ, सनई का फूल का सब्जी बना रही थी और आया। हाँ जब भी मतलब चूल्हे पे बैठे रहती हूँ, उसी दिन आता है। बहुत ही बढ़िया, चलो अच्छा है, ये तो अच्छा हो गया। मैं भी आज नया कपड़ा पहनी हूँ, आप भी नया पहनी हो। अब मम्मी कोलकाता भी घुमा देना दोस्तों को। यार ललित, हम लोग का तो अभी हुआ ही नहीं है, फिर तुम लोग कोलकाता चले जाओगे, हम बिहार क्या करेंगे? नहीं, तुम साथ में चलो ना कोलकाता।
साथ में चले फिर मम्मी लोकेशन दे दे क्लिप टू द फर्स्ट राउंड। हाँ आपकी तरह थोड़ी मम्मी मेरा सारा राउंड क्लियर हो जाएगा, आप और पापा की तरह थोड़ी हम लोग। तो भाई बात तो पता चली गई होगी, अगर नहीं पता चली है तो मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। वैसे हमने कर नहीं पाए थे क्योंकि मैंने सोचा कि यार बात तो कम से कम आधे घंटे तक हुई है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात लगाई और मेन मेन चीज़ें लगाई बस काफ़ी। और भाई हम लोग आ रहे हैं कोलकाता, तो कहीं भी जाने से पहले आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, शॉपिंग। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी ने हमसे मंगवाई हैं, जैसे कि बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, जो भी चीज़ें हैं हम आपको दिखा देंगे ब्रीफ में, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें काफ़ी सारा सामान बाहर से भी खरीदना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम उसके लिए शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, तो शॉपिंग वॉपिंग की वीडियोज़ आएंगी। पर भाई आपको पहले ही बता देता हूँ हमारे पास दिन बहुत ही कम है, तो हो सकता है बीच में एक दो दिन वीडियोज़ ना भी आएँ, क्योंकि हमें कुछ कपड़े सिलवाने भी हैं, कुछ कपड़े बाहर से लेने हैं, और आपको पता ही है जाते हैं तो कितना रश हो जाता है। ठीक है, और आपको कैसी लगी बात ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी सुनकर, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी राय दीजिए कि हाँ क्या हो सकता है। वैसे तो कोलकाता आ रहे हैं, आपको बता ही दिया है, अभी ट्रेन की टिकट्स भी करनी है, और अभी बहुत ही 3-4 दिन में देखते हैं क्या हो पाता है, टिकट नहीं मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग देख लेंगे। वैसे तो हम कभी कोलकाता गए नहीं है, हमारा फर्स्ट टाइम होगा, तो चलिए बिना किसी देरी के तैयारी वारी करते हैं और मिलते हैं आपसे कोलकाता के ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।